अपने जहन को गुलाम किसी का भी ना बनाए। ये बात है, तो अपने आगवा हैं तारे जमील साहब जो साहबजादे हैं, अल्लाह करीम उनको जन्नत में आला मकाम अता करे। नौजवानों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ना लड़कियां खत्म होंगी ना लड़के खत्म होंगे, आप अपनी जिंदगी को आसानी के साथ गुजारे, अल्लाह आपके लिए बेहतर कर रहा होता है। लेकिन जी जब जी आप बिल्कुल, जल्दबाजी करते जो हैं अल्लाह ने लिखा हो नसीब में तो वो किस्मत में होगा तो जरूर मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, आपकी लकीरें देखने की जरूरत नहीं है, जो कुछ होगा खुद ब खुद मिलेगा। जी आपकी यासी देने कराची में शाम को वापसी करनी है तो इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जी ठीक है, वापसी करनी है। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम अस्सलाम। उबैद रहमान सुलेमानी कराची से बात कर रहा हूँ। जी उबैद रहमान, आपको वेलकम कहते हैं, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले हफ्ते प्रोग्राम नहीं हुआ, हमने कहा पसंद क्या होगी। आए हाय, अच्छा जी, और सुनाए क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है जी, बेहतरीन मौसम है और आखिरी आखिरी दिन है, कराची में शाम को वापसी करनी है तो एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जी ठीक है, वापसी करनी है। अच्छा ये बताए ना कि आपने हमारा शो जो है ना वो सुना है? दे दे। जी, तो फिर बोले ना मौजू हवाले से। हाँ बिल्कुल जी, इंटरनेट के इतने ज्यादा फायदे हैं। सबसे पहला फायदा नौजवान लड़कों और लड़कियों के लिए, मैं प्यार कर देता हूँ, जी, इरशाद। वो ये है कि देखें पहले तो लड़का लड़की इकट्ठे होते थे तब निकाह हो करता था, अब तो ऑनलाइन सिलसिला है, लोग बाहर भी होते हैं, बाहर से निकाह कर लेते हैं ना। आए हाय, बिल्कुल, बस वो कहते हैं ना कि क्या शरीयत का जमाना लाएंगे, यही काम जो है ना बेहतर है। अब बहुत आसानी होगी यकीन करें, जी इंटरनेट ने सब कुछ आसान कर दिया। मेरी और उलमाए किराम से बहुत ज्यादा मोहब्बत हुआ करती है ना, जी जी तो बहुत सारी मजहबी जमातें हैं जिनके साथ गहरा ताल्लुक किए हैं, और अक्सर प्रोग्राम जिस तरह मैं अब जवाब में हूँ, लाहौर प्रोग्राम हो रहा है या दीगर जगह पे, तो मैं नहीं जाया करता ना फिर भी इतने दूर, तो अच्छा जी ठीक है, मुझसे कहते हैं ये कैसी मोहब्बत है, मैं कहता हूँ यही तो मोहब्बत है कि अब इंटरनेट है, जदीद सहूलियात हैं, तो मैं यहीं से सब कुछ देख सकता हूँ, तो मुझे इतना दूर जाने की क्या जरूरत है ना। हाँ, इंटरनेट ने हमें बिल्कुल नजदीक कर दिया, लेकिन कुछ लोग इससे मौजूदा दौर में फायदा नहीं उठा रहे, नहीं उठा सकते हैं। वो इस तरह है जिस तरह आप किसी को शादी के मौके पर पहले कार्ड भेजा करते थे, हाँ या जी तो हाँ, टीसीएस कर देते थे या घर में जाकर दिया करते, तो अब व्हाट्सएप है, बहुत सारी सहूलियात हैं, बंदे उस पर भेज सकते हैं, लेकिन कई लोग इस चीज भी महसूस करते हैं ये किस तरह की है ना। हाँ जी, लेकिन है, लेकिन हाँ जी, आजकल के ज़माने में लोग कहते कि इतनी तकलीफ़ क्यों की, कहते कि बस कॉल कर लेते और हमें जो है ना पिक भेजते तो ठीक है, हम आते, हम तो अपने हैं, लेकिन फिर बाद में इतने गिले शिकवे करते हैं कि ओए होए, सिर्फ जो है ना फ़ोन पे कॉल किया है और बस कहते कह हैं फोन दिया। पे आते ही कौन है, इस तरह हाँ, की आते बात ही कौन देखिए। है, यही बातें होती है फिर। जी जी बिल्कुल ऐसी है। बाकी ये है देखें कोई भी चीज है उसके मनफी और मुस्बत दोनों असरात सामने होते हैं इंसान के, जिस तरह वो उसे इस्तेमाल करेगा इसी तरह उसको फायदा जी जी बिल्कुल, नुकसान उसी तरह होगा। जो है ना उनको फायदा होता है। तो आज हर चीज हमारे करीब हो चुकी है, जिस तरह पहले लोग मतलब कुछ पूछने के लिए या कोई सवाल होता पूछने के लिए किसी के पास जाया करते, तो आज गूगल भाई ने हम इतना आसान कर दिए, यकीन करेंगे जो मर्जी लिखे उसने जवाब देने ही देना है ना। हाँ जी हाँ, बिल्कुल, ये जो है ना और बिल्कुल आसानी इसके है। नुकसानात नुकसानात ये नजर आए कि जिस तरह पहले लोग किताबें पढ़ा करते थे, तो आजकल उन्होंने किताबों को छोड़ दिए, दुकानों स्टेशनरी वालों को बड़ा नुकसान हुए, लेकिन चले फायदा हाँ जी, तो हो रहा लेकिन है लोगों को। आजकल हम गूगल पे देखें ना तो ज़्यादातर बुक्स जो है ना वो अवेलेबल भी होती है, लेकिन हम बुक्स देखते ही नहीं हैं उसमें भी। हम बस कहते हैं कि क्यों इतनी तकलीफ़ करें, बस गूगल है ना उस पे थोड़ा सर्च करो, बस हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। हाँ किताब देखना तो अब दूर की बात है, लेकिन गूगल पे भी जो है ना वो लेक्चर्स वगैरह या बुक्स वगैरह जो है ना वो PDF में होते हैं। बाकी ये इससे फायदा उठाना चाहिए ना, ये हमारे जी लिए ही जी बना है। आज लोग तरह तरह की बातें करते हैं, ये फलां की इजाद है फलां की इजाद है, तो हम इसी तरह जब पाकिस्तान बना उस वक्त से हम इसी तरह चलते आ रहे हैं, पहले लोगों के इंग्लिश से हमने दूर किया कि जी जी बेटा आप बिल्कुल, पढ़े सीखे ना, ये अंग्रेज की जुबान है, तो ये इस हाँ तरह की जी हाँ, छोटी छोटी बातें लेकिन हमारे अंग्रेज की ये जुबान जो है ना इजी भी है, आसान भी है। जी, अच्छा ओके जी, और कुछ कहना है? हाँ बस ये है, आखिरी बात कहना जरूरी समझता हूँ कि जी जी इंटरनेट का इस्तेमाल मुस्बत करें, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसानदेह भी साबित होते हैं जब कोई आप गलत चीज जारी कर देते हैं, जिस तरह गुज़श्ता रोज़ वाक़ हुआ,
मौलाना तारक जमील साहब के साहबजादे जो है दुनिया पानी से रुखसत हो गए। इसमें भी एक चीज मैंने देखी है, तो चले कारोबारी मसला था, और दूसरा फिर वहां पर बात मोहब्बत की आ गई। जी जी इंटरनेट से आप जो मोहब्बत करते हैं, कोशिश करें आपकी मोहब्बत ऐसी हो कि आप ज़हनी अज़ियत का शिकार ना हो, हर वक्त अपने ज़हन को परेशान करके ना रखें, खुशी जी जी के साथ बिल्कुल रहें बिल्कुल और बिल्कुल अपने अपने ज़हन को गुलाम किसी का भी ना बनाए। हाँ जी हाँ, यही बात है वो आपने। हैं तारिक जमील साहब जो साहबजादे हैं, अल्लाह करीम उनको जन्नत नाला मकाम अता करे। आमीन मतलब आमीन। अफसोसनाक वाकया था। नौजवानों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ना लड़कियां खत्म होंगी ना लड़के खत्म होंगे, आप अपनी जिंदगी को आसानी के साथ गुजारे, अल्लाह आपके लिए बेहतर कर रहा होता है। लेकिन जब जी आप जी बिल्कुल, जल्दबाजी करते जो हैं तो अल्लाह ने लिखा हो नसीब में तो वो किस्मत में होगा तो जरूर मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, आपकी लकीरें देखने की जरूरत नहीं है, जो कुछ होगा खुद ब खुद मिलेगा अल्लाह जी से। बिल्कुल, वो खुद ब खुद आपके पास आएगा, और जो ना भी हो तो आप लड़ झगड़ के, या जो है ना बहुत ज्यादा जो खफगान भी करे ना टेंशन भी ले, तो वो फिर भी आपका नहीं होगा, तो इससे क्या बिल्कुल फायदा। ऐसे ही है। और आखिरी बात फिर अब आ गई है कि इस दौर में जो लोग जहनी अज़ियत का शिकार हैं वो आपको प्रोग्राम कम से कम जरूर देखें और खुश हो जाया करें, क्योंकि जहनी अज़ियत में जो खत्म लोग रहते हैं होती वो खुश है। नहीं रह पाते। आपको प्रोग्राम देखें तो देखेंगे तो मुझे जी उम्मीद है वो खुश बिल्कुल हो जाएंगे। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच फॉर योर काम कॉलिंग। शुक्रिया जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जी तो हम अक्सर उबैद रहमान अदीम डेर खास्ता और खुले खबरें उकड़ाएँ।